कैसेट एसी का जो है आउटडोर इंस्टॉलेशन करना था। आउटडोर इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गया, अब जो है फ्लेयरिंग बनाने का है बस। तो कैसेट एसी अगर इंडोर बिठाने वक्त अगर पॉसिबल रहा तो उसकी भी वीडियो बना लेता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैं फ्लेयरिंग बना रहा हूँ। तो डिस्चार्ज की जो है नॉर्मली अपन फ्लेयरिंग थोड़ा कंफर्टेबल रहता बनाने में, क्योंकि जो है 3/8 का या फिर 1/4 का पाइप रहता, तो उसको अपन आजू बाजू ले लेके फ्लेयरिंग कैसा ही बना ले सकते। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3/8 है नीचे का, ऊपर का 5/8 है। तो यहाँ पे इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी एक बार चेक कर लो, 13,000 वाट का है ये। 13,000 वाट बोले तो अपने को 3,500 को एक अपने को टन होता, अब 13,000 वाट बोले तो 3.5 टन का कुछ है, लेकिन बोलते 4 टन बोल के। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई जो है 5/8 का पाइप है, स्ट्रेट में फ्लेयरिंग बना दी यहाँ पे, पाइप को बेंड वगैरह कुछ भी नहीं मारे। तो बहरहाल डायरेक्ट फ्लेयरिंग बना दिए। अब फ्लेयरिंग डायरेक्ट बनाने के बाद में इसको बेंड कैसा कर दे, क्योंकि स्प्रिंग बेंडर तो जाता नहीं इसके अंदर ऊपर से, तो हम लोग यहाँ पे जो है इनर बेंडर का यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेयरिंग वगैरह पूरी बन गई, नट जो है बाहर निकलने वाला तो नहीं है। और जाहिर बात है जो काम करे हुए हैं उन लोगों को मालूम ही होगा कि उसके अंदर जो है बेंडर भी चढ़ता नहीं ऊपर के साइड, तो इनर बेंडर है। तो इनर बेंडर का पहले मैं एक बार मेजरमेंट ले लेता हूँ कि कहाँ तक जाने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपने को जहाँ बेंड मारने का है उसके अंदर ही चले आ रहा अपने को बेंडर, मतलब उसके आगे ही जा रहा। तो आराम से मैं जो है बेंडर अंदर डाल लेता हूँ, और जो है ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना है, नहीं बोले तो फिर मामला हो जाता निकालने में। तो थोड़ा सा बाहर रखना, और जो है इनर बेंडर जाने के बाद में तो अपने को कुछ डाउट ही नहीं है समझो पाइप का, आराम से बेंड कर ले सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देख सकते हैं मैं फर्स्ट एल बेंड मार लिया ऊपर, अब उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यू के शेप में बेंड कर लेता हूँ। तो कभी भी जो है अपन फर्स्ट तो मेजरमेंट कैसा लिया बोले तो पाइप जब स्ट्रेट था ना, स्ट्रेट थे वक्त मैं वही स्प्रिंग से जो है कहाँ पर बेंड होने वाला है कितना है वो बेंड कर लिया था। बेंड कर लेके मेजरमेंट ले लेके कट कर लिया, कट कर लेके फ्लेयरिंग बना लिया। फ्लेयरिंग बना लेके उसके बाद में जो है इनर बेंडर से बेंड कर ले रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बोले तो पाइप जो है बेंड मार देने के बाद में फ्लेक्सिबल नहीं रहता, क्योंकि फ्लेयरिंग वगैरह बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं होती, कर ले सकते समझो। क्योंकि अब यहाँ पे अपने को ऑप्शन है, आराम से कर ले सकते हैं। तो ये टूल जो है अपने को बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इनर बेंडर, तो अपन कभी भी इसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते, तो वही यहाँ पे जो है अपने को आसानी हो जाती है। क्योंकि फ्लेयरिंग बनाने का से फिर अंदर ज़रा हाथा वो डालो, उसको पाइप को हटाओ, करो मैच करो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता। तो देख सकते हैं यहाँ पे आराम से बेंड हो गया फ्लेयरिंग होने के बाद में भी। और ये जो है अपने को टूल जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो अपना स्प्रिंग बेंडर है ना, जो अपने को इंडोरों के में भी काम में आ जाता, जहाँ पे स्प्लिट एसी वगैरह इंस्टॉलेशन करते ना अपन, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम में आया था। जहाँ पे अपन लेफ्ट साइड में पाइपिंग देते, बहुत सारे लोगों को नहीं आता लेफ्ट साइड में पाइपिंग दे रहे, तो लेफ्ट साइड में पाइपिंग दे रहे बोले तो ये इनर बेंडर रहा समझो, तो स्मूथ बेंड हुआ था, नहीं बोला तो क्या है फोम काटो वगैरह वगैरह जो थोड़े बहुत कंधे होते, अब मतलब सही से बेंड ना होता ना, ऊपर का बेंडर डालना बोले तो फोम फाड़ना निकालना फिर अंदर दीवार में बेंडर डालना सब मुश्किल रहते। तो ये बेंडर रहा सो आराम से काम हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पे जो है मेरा मशीन इंस्टॉल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार वाटर लेवल स्केल से भी चेक कर ले रहा हूँ, देख सकते हैं वाटर जो है अपना सेंटर में है पूरा। तो ये स्केल से अपन चेक करते वक्त आउटडोर भी जो है एक लेवल में रहना, इससे जो है अपने को फ्यूचर में कुछ भी मोटर वगैरह के जो है स्टैंड टूटने के ब्लेड फूटने के प्रॉब्लम नहीं आते, स्केल लेवल से सही स्ट्रेट रहा। तो बाकी वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।